अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज की वीडियो के अंदर मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और वो ये है कि वॉय स्टूडेंट प्रेफर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक पे बढ़ने से पहले बताता चलूँ अगर आप लोगों का कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड या कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आल केरियर नॉलेज डॉट कॉम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग फर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के बहुत से जो कन्फ्यूजन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर उसको भी दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स चाहे वो एफएससी प्री मेडिकल के हों या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के हों या आईसीएस के हों उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है कंप्यूटर साइंस बाद में होती है या जो हम बात करें अगर बी एस आई टी की या बी एस साइबर सिक्योरिटी बी एस ए आई या और भी जितनी आई टी से रिलेटेड डिग्रीज हैं तो इसकी क्या वजह है जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं और मेरा इंट्रैक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ तो वो ये है कि हमारे जो सोसाइटी है ना उसमें बचपन से ही बच्चे को बताया जाता है कि आपने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है बाकी जो फील्ड्स है ना वो तो या नलायक स्टूडेंट्स करते हैं या जिनका कहीं एडमिशन नहीं होता तो वो बाकी फील्ड्स के अंदर जाते हैं जैसे लॉ की फील्ड है या हम बात करें कॉमर्स की फील्ड है बीबीए की फील्ड है एमबीए की फील्ड है या और बहुत सी फील्ड्स हैं इसके अलावा भी तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता बस उन्हें ये पता होता है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है ठीक है तो बहुत से जो बच्चे होते हैं एफएससी के बाद अगर उनका उनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के मार्क्स भी होते हैं लेकिन अगर मेडिकल में नहीं होता तो फिर उनकी सेकेंड चॉइस होती है कि यार अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो चलो सॉफ्ट इंजीनियर बन जाते हैं क्योंकि बाकी जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उसमें तो उनका एडमिशन हो नहीं सकता तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसमें उनके पास एक चॉइस होती है कि चलें डिफिशेंसी कोर्सेज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो है एडमिशन हो जाएगा तो बच्चों के जहन में ये होता है कि यार जो है ना सोसाइटी में इंजीनियर कहलाएंगे ठीक है और जब भी रिलेटिव्स हैं दोस्त अहबाब हैं पूछेंगे तो तो बच्चों को ये होता है कि जो हमारे जितनी भी सोसाइटी है दोस्त अहबाब हैं रिलेटिव्स हैं तो उन सबको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा ठीक है और जो है ना अपनी जो फेसबुक की बायो है या इंस्टा की बायो है उसमें लिख सकेंगे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है ना ये जस्ट इसका नाम सॉफ्टवेयर इस इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अप्रूव नहीं करता ठीक है वीडियो के अगले समय मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं अप्रूव करता इसको जो अप्रूवल मिलती है वो मिलती है नेशनल कंप्यूटर एग्रेडेशन काउंसिल से ठीक है और अब मैं आपको बताता हूँ कि पी ई e. पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है इसको अप्रूव क्यों नहीं करता जबकि इसके नाम के साथ इंजीनियरिंग लगा हुआ है तो उसकी वजह यह है कि जितनी भी दुनिया की इंजीनियरिंग कौंसल्स हैं ठीक है जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं उनका कहना है कि जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो टेंजेबल चीज़ों के ऊपर अप्लाई होते हैं ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं जिनको हम छू सकते हैं ठीक है Uh, तो जो सॉफ्टवेयर है वो तो इनटेजेबल है उसको हम टच uh, तो नहीं कर सकते तो जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर तो अप्लाई नहीं होते तो इस वजह से जो है ना uh, ये जो इंजीनियरिंग काउंसल्स हैं वो इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अप्रूव नहीं करती तो उसका फिर हाल ये निकाला कि जो आईटी की फील्ड आईटी की जितनी भी डिग्रीज हैं उन सब के लिए एक अलग से बॉडी बना दी जैसे इंजीनियरिंग की डिग्रीज के लिए एक अलग बॉडी है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और मेडिकल के लिए पीएमडीसी है ठीक है इसी तरह आईटी की डिग्रीज़ को अप्रूव करने के लिए एक अलग बॉडी बना दिया जिसका नाम है, है, रख दिया गया है नेशनल कंप्यूटर एग्रीडेशन काउंसिल अच्छा ये जितनी भी कौंसल होती हैं ना ये करती क्या है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करता हूँ ए, ये एक एच ई के अंडर एक बॉडी होती है ठीक है एक इदारा होता है सब इदारा कह लें आप इसको ठीक है और ये चेक एंड बैलेंस रखता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ठीक है ये जब भी कोई फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है एबीसी ठीक है वो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम लोग ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की जो डिग्रीज़ को शुरू करवाना चाह रहे हैं तो वो आएंगे नेशनल कंप्यूटर एग्रोडेशन काउंसिल के पास कि आप अप्रूव कर दें तो ये फिर वहाँ पर विजिट करेंगे ये देखेंगे कि क्या ये जो डिग्रीज शुरू करवा रहे हैं इनके पास फैसिलिटीज़ हैं ठीक है इनके पास लैब्स हैं कंप्यूटर लैब्स हैं इनके पास अगर कंप्यूटर लैब्स हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो किस लेवल का है ठीक है उसके बाद इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स लैब हैं ठीक है और इनके पास जो फैकल्टी है उसका जो क्या लेवल है मतलब कि कितने पीएचडी प्रोफेसर्स हैं कितने एम फिल प्रोफेसर्स हैं कितने फॉरेन क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं ठीक है फिर उनकी रिसर्च देखी जाती है तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं और फिर जब ये एनसेक वाले हैं ये हर ऑलमोस्ट सिक्स मंथ के बाद विजिट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो पेपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के वो चेक करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ने वो पेपर किस लेवल के बनाए हुए हैं किस किस्म के क्वेश्चन किए हुए हैं ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके स्टूडेंट्स को पास कर रहे हैं और डिग्रियाँ बांट रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखते हैं और इसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स और ये इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी करते हैं तो और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी सेम यही काम करते हैं इसी तरह पीएमडीसी भी यही काम करते हैं और डिफरेंट बॉडीज़ बनाई हुई हैं तो वो भी यही काम करती हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी एस आई टी बी एस ए आई बी एस साइबर सिक्योरिटी और जितनी भी आई टी से रिलेटेड डिग्री हो सबको एनसेक अप्रूव करता है और इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो आई टी प्रोफेशनल की टर्म यूज़ होती है ठीक है आ, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने बीएससीएस किया है वो भी आईटी प्रोफेशनल है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है वो भी आईटी प्रोफेशनल है, है और अगर कि, किसी ने बी एस ए आई की है या बी एस साइबर सिक्योरिटी की है तो वो भी आई टी प्रोफेशनल की टर्म के अंदर ही आता है तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं मैं उनके आज ये कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि यार खाली मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं जैसे कहते हैं ना कि और भी कम है ज़माने में इसी तरह मैं कहता हूँ कि और भी फील्ड्स हैं ज़माने में मेडिकल और इंजीनियरिंग के सिवा आप लोग अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी स्किल्स को देखते हुए अपनी कैपेसिटी को देखते हुए अपने कैरियर का इंतख्य किया करें ना कि लोगों को देखा करें कि लोग जो है वो क्या कहेंगे कि इसने मेडिकल नहीं की या इसने इंजीनियरिंग नहीं की आ, मैं आपको बताता हूँ कि जिस जब आप लोग होते हैं ना कॉलेज के अंदर होते हैं तो आपसे पूछते हैं कि यार कितने मार्क्स एफ में आए हैं या क्या कर रहे हो जब आप लोग यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना जैसे आप लोगों से कोई कॉलेज का नहीं ना पूछता यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इसी तरह जब आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाएंगे ना यकीन जाने आपसे किसी ने नहीं पूछना आपने क्या डिग्री की थी ठीक है और किसी ने नहीं पूछना किस यूनिवर्सिटी से की थी फिर आप लोगों का एंड रिजल्ट देखा जाता है कि यार जो है ना आप लोग मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि कितना अर्न कर रहे हैं किस सीट के ऊपर हैं ठीक है किस ऑर्गेनाइजेशन के, के अंदर सर्व कर रहे हैं ठीक है फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं फिर ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि यार इंजीनियर है आई प्रोफेशनल था या इंजीनियर था ठीक है तो आप लोगों ने अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए फ़ैसला करना है किसी रिश्तेदार को देखते हुए फैसला नहीं करना और और बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस बेस पे भी फैसला कर लेते हैं कि यार चलो हमारा दोस्त है ना वो फ़ला डिग्री में जा रहा है या फला यूनिवर्सिटी में जा रहा है हम भी वहीं चले जाते हैं आप लोगों ने ऐसा नहीं करना आ, ये बड़ा ही ना डिफ़ाइनिंग मोमेंट होता है आप लोगों का जब आप लोग एफ करते हो ना तो मतलब आप लोगों की पूरी की पूरी लाइफ का जो दारोमदार है ना वो इस फैसले के ऊपर होता है आपकी ज़िंदगी में ना दो मोमेंट बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं और वो मैं आपको बताता हूँ एक तो जब आप लोग एफएससी करके अपने कैरियर का इंतब कर रहे होते हो ठीक है एक ये आपकी उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ उसके ऊपर मुंहसर होती है और सेकंड जब आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे होते हो ना तो वो भी आपकी लाइफ के अंदर बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होता है और उसके ऊपर भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और बहुत सोच समझ के जो है ना अपने कैरियर का इंतब करना है ना कि लोगों को अपने दिमाग में रख के फ़ैसला करना है कि लोग क्या कहेंगे अपनी स्किल्स देखनी है अपनी इंटरेस्ट देखना है अपनी कैपेसिटी देखनी है और फिर आप लोगों ने फैसला करना है तो आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी होगी अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबियां ता करे इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़